इस बार भी हरियाणा का नाम विश्व पटल पर छाने वाला है। इस बार गुड़गांव के तहसील बुद्धदेव को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। में पढ़ने वाला तहसील नेशनल अवार्ड मिलने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर हरियाणा का एक और लाल विश्व पटल पर छाने वाला है। गुड़गांव में जन्मे तक्षशील बुद्धदेव को देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। दरअसल तक्षशील पढ़ाई में तो होनहार है ही, उसे कई कलाओं का भी ज्ञान है। तक्षशील को गाने के अलावा हारमोनियम बजाना भी बखूबी आता है। राष्ट्रपति के हाथों मिलने वाले अवार्ड को लेकर तक्षशील बहुत उत्साहित नजर आ रहा है, जिसका श्रेय तक्षशील ने अपने माता पिता के साथ अपने टीचरों को दिया है। मुझे नेशनल अवार्ड मिलने वाला है और मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक हाथों से अवार्ड मिल रहा है। तक्षशील बुद्धदेव को मिलने वाले अवार्ड को लेकर उसके माता पिता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत खुशी है, एक पेरेंट को खुशी जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा खुशी है हमें, क्योंकि ये अवार्ड उसे नेशनल लेवल पे दिया जा रहा है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे ये अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। काफी मेहनत की है उसने, पिछले 3-4 साल से काफी मेहनत की है उसने, काफी कुछ सीखा है। आपको बता दें कि तक्षशील बुद्धदेव पढ़ाई के साथ साथ कई अन्य कलाओं में भी निपुण है। तक्षशील को गाना गाने के साथ साथ हारमोनियम बजाने का भी मुकम्मल ज्ञान है। ऐसे में कई प्रतिभा का धनी तक्षशील नेशनल अवार्ड मिलने से काफी उत्साहित है। गुड़गांव से सूरज दुहन, खबर फास्ट।